हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद अहसन फ्रॉम w3webschool.net। और CSS की क्लासेस में हम अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि सोलर सिस्टम का। प्रीवियस क्लास में हमने इसका जो डिज़ाइन है या लेआउट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में मैं आपको वो CSS3 की एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू ये हमें मूवमेंट करते नज़र आएंगे। तो अगर आपको याद हो तो जो हम अभी CSS कोर्स मेरा चल रहा है, इसमें मैंने आपको एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन के CSS3 के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें की फ्रेम्स और फ्राम की फ्रेम्स में मैंने आपको बताया था कि from2 हम वहाँ पे दे सकते हैं कुछ वैल्यूज़ के, अगर 25% हो तो ये इस पर अप्लाई हो, 50% पे तो ये। सारी जो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये डिस्कस हो चुकी हैं, सिर्फ आपको रिवीजन की है। मैं अभी लिखता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी CSS3 में कि यहाँ पे हम लेते हैं की फ्रेम, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक नेम रखते होते हैं। नेम कोई भी रख लें, आप आपकी मर्जी, आप कोई नेम रख लें। ये जो मैं नेम रख रहा हूँ इसमें कोई आप नेम रख लें, या इसको मैं अगर मैं सर्कल रख लूँ, सर्कल। और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ्राम। अब फ्राम में क्या होता है, यहाँ पे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। और ट्रांसफॉर्म कहाँ से हो, ये रोटेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक रोटेट हो। हम यहाँ पे डिग्री में वैल्यू देते हैं इसको, मैं लिखता हूँ कि 0 डिग्री से, यहाँ पे कॉलन और उस सॉरी सेमी कॉलन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कीवर्ड, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर मैं यहाँ पे सेम वही ट्रांसफॉर्म लिखूँगा, और फिर यहाँ पे लिखूँगा रोटेट कहाँ से कहाँ तक हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 360 डिग्री, और ये यहाँ पे सेमी कॉलन। तो यह यहाँ तक सिर्फ इतनी सी ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम सारा काम करेंगे। उसका नेम जो है वो है सर्कल, ये सर्कल इसका नेम है। और अब क्या करना है कि जिस जिस चीज़ को हमें रोटेट करवाना है सिर्फ इसी सर्कल की प्रॉपर्टी जो नेम है हमने वहाँ पे इसको कॉल करवाना है, तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये वहाँ पे वर्क कर जाएगी। तो कैसे है, सबसे पहले मैं आता हूँ नेपच्यून पे, जो नेपच्यून है उसको हम रोटेट करवाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करवाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन। तो एनिमेशन में क्या है, जो अब भी हमने एक की फ्रेम में एक सर्कल एक नेम बनाया था सर्कल, वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और उस यहाँ पे मैं कुछ टाइम देता हूँ, इसको देता हूँ कि 70 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जितनी भी रोटेशन कंप्लीट करेगा 0 से 360 डिग्री, मीन्स के पूरा एक सर्कल की जो एक रोटेशन कंप्लीट होगी वो 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स के अंदर होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया सेकेंड्स में, तो ये वैल्यू हम सेकेंड्स के अंदर ही देते होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप लिख लेता हूँ लीनियर इनफाइनाइट, के ये बार बार चलता ही रहे। उसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में, नो तब तक कोई मिस्टेक नहीं, तो ये प्रॉपर्टी वर्क करनी चाहिए। यहाँ पे जो नेपच्यून है इसको मूवमेंट करना चाहिए। मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक हो सकती है। सर्कल ये नेम ठीक है, CIRCL सर्कल 70 सेकेंड, एनिमेशन भी लास्ट पे आके मैं यहाँ पे देखता हूँ जहाँ पे प्रॉपर्टी, ये भी सर्कल स्पेलिंग ठीक है, 0 डिग्री 360 डिग्री की, यस यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे एस आएगा। यहाँ पे अगर मैं एस लगा के देखूँ, सेव एंड रिफ्रेश, यस ये देखें यहाँ से इसकी रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह ये तो मैंने सिर्फ एक को लगाई है ना, तो इस तरह हमने हर जो जितने भी मेरे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं उन सारों पे लगानी है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे नेपच्यून के बाद ये यूरेनस है इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। और जो यूरेनस के अंदर, यूरेनस के अंदर जो हम इसको टाइम चेंज कर देते हैं, कुछ भी रख लें, मैं 60 कर लेता हूँ। उसके बाद सैटर्न पे आ जाएं, यहाँ पे इसको हम सैटर्न पे आप कितनी वैल्यू दे सकते हैं ये भी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ ताकि ये मूवमेंट में वाज तौर पे शो हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ जुपिटर पे, जुपिटर पे मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 40 सेकेंड। और उसके बाद जो मार्स है यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करके, यहाँ एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 30 सेकेंड।
और ला मास के बाद अभी भी हमारा अर्थ रहता है, और ये जो अर्थ है इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20 सेकेंड्स, नहीं इसको मैं 40 दे देता हूँ, अर्थ को 40 दे रहा हूँ, और जो वीनस है इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20, और ये जो मरकरी है ये सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड सूर्य के करीब इंसान के करीब है, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा ही है, इसको हम दे देते हैं 20 सेकेंड्स। ऊपर वाला जो 20 है इसको मैं कर देता हूँ 50 सेकेंड्स। तो इसके बाद मैं सेव करता हूँ, तो अब मैं करता हूँ इस अपने पेज को रिफ्रेश। तो ये आप देख लें इस वक्त जितने भी ये मेरे स्टार्स हैं, ये मेरा सोलर सिस्टम है, इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, अपने ऑर्बिटल्स में ही रहते हुए ये मूव कर रहे हैं। इसमें देखें मैंने इसकी वैल्यूज़ को डिफरेंट रखा हुआ है, इसीलिए कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ये उसी लिहाज से ही ये वहाँ पे शो होंगे, इस तरह से अपने मूवमेंट शो करेंगे। तो जैसे अगर इनकी वैल्यू, एक मैं और बात बताऊँ आपको कि ये मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे -360 डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो ये देखें अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हमने जो वैल्यू दी थी वो 360, वो पूरे सर्कल में हम रोटेट करवाने के लिए जो वैल्यू दी थी। तो अगर ये देखें ये जो जुपिटर है, नेपच्यून है फर्स्ट जो मेरा स्टार है, अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पे अगर 10 सेकेंड देता हूँ तो आप यहाँ पे देख लें कितनी स्पीड से ये यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो ये देख लें सबसे ज़्यादा स्पीड है किसी तरह, मतलब है ये आप जैसे मर्जी इसको आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली जो है वैल्यू वो देना चाहते हैं, मतलब मीन्स ये तो नहीं है वो तो कि कई किस ईयर में अपने एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो इसी तरह ये आप ऐसे तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो बहरहाल समझाने का मकसद यही था आपको कि देखिए हम ये एक वैसे तो देखने में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये है काफ़ी खूबसूरत, तो इस पे कितनी मेहनत हुई है, और इसीलिए मैंने आपको करवाया है कि आप CSS3 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। तो यहाँ तक तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट होगा वो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मेरी वेबसाइट है w3webschool.net, आप इसको विजिट करते रहें, इस पे बहुत कुछ अवेलेबल है। अभी इस वक्त क्यों स्टार्टिंग स्टेज पे है, अभी आज की अगर डेट देख लें इस वक्त स्टार्टिंग स्टेज पे है, लेकिन ये बहुत जल्द ये इस पे बहुत कुछ अवेलेबल होगा। ये देखिए वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं यहाँ पे, ये एंड्रॉयड में कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारी, HTML एडिटर, HTML लर्न, कुरान की, कुछ और भी काफ़ी सारी हैं। ये जो यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है, Google+, ये फेसबुक पे जो हमारा चैनल है, सॉरी ग्रुप है, और इसके अलावा ये फेसबुक का पेज है, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ये है कि आप ये सेम है, सेम एड्रेसेस, यहाँ पे आप लिखना है group/, सिर्फ इतना फ़र्क है, ये चीज़ एडिशनली आपने लिखनी है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो आप इतना लिख दें तो ये आपको डायरेक्ट पेज पे ले जाएगा। और अगर मैं YouTube पे भी जो मेरा चैनल है w3upschool.net के नेम से, आप उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और जो मेरी वीडियोस हैं उनको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो प्रमोट हों और मुझे भी कुछ ज़्यादा इनक्रेज मिलेगी वीडियोस को और बनाने में, और कुछ और मैं वीडियो कोर्स बनाने में। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे w3upschool.net, वेब स्कूल लिख लें या डॉट नेट लिख लें सच, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ही होगा वही मेरा ये यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको चैनल पे ले जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करके जो आपकी ईमेल जीमेल है वो आपने यहाँ पे देनी है, Gmail ID क्लिक करके आपने यहाँ पे Gmail ID से साइन इन होके फिर आपने ये, जैसे अभी देखिए यहाँ पे साइन इन हो चुका है एक, तो यहाँ पे आपने सब्सक्राइब का ऑप्शन होना है, अभी ये सब्सक्राइब्ड है लेकिन आपके लिए होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो वो उसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको साथ साथ मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चैनल पे फलां वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा, आप टाइम से उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट्स करें, और वेबसाइट को विज़िट करते रहें।
तो मिलते हैं अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।